सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। मैं अंजू देवी बुटुल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करने में खूबसूरत शहर मुंबई से और टाइम हो रहा सुबह का शाम का 4 बज रहा है। सुबह से मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, यानी शुरू नहीं किया मैंने। मौसम का हाल बोले तो मुंबई में गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। सुबह मैं थोड़ा बाहर गई थी तो इसलिए भी नहीं मिला मेरे को टाइम। फिर बच्चों के पास आकर मैंने बोला कि बच्चों का होमवर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज था संडे, बच्चों का सबका छुट्टी था। जगदीश तो बाहर गया, परवेश को मैंने पढ़ने के लिए बोला, परवेश भी सो गया। पढ़ाई पढ़ाई एक जगह पर पहले आ रहा। सुबह परवेश में मंदिर गया था, मेरे को भी बोल रहा था लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा, मेरे को बाहर भी जाना था तो क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि गुड़िया के पास था मोबाइल। घर में बोला मम्मी मेरा काम है तो मेरे को दे दे, मैंने चलो जाने दें। क्लिप तो बाद में भी बन जाएगी, बच्चे का होमवर्क हो जाएगा तो चलो कोई बात नहीं। तो आ गई थी मैं अभी, कितने बजे आई मैं? आई एक बजे के टाइम पे आई। थोड़ा आराम उराम किया तो अभी मैंने खाना होना आज का अब बना। आने के बाद मैंने पहले रोटी बनाई क्योंकि नाश्ता नहीं बनाया था, तो रोटी बनाई मैंने, भाजी रोटी सब बनाया मैंने और खिलाए। तो भात मैंने अभी बनाया, भात का मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं भात, यानी कि चावल। चावल को हमारी घर वाली भाषा में बोलते भात। तो भात दाल बना के रखा, परवेश सोया, जगदीश बाहर गया, मैंने जगदीश भी आएगा ये टाइम पे तो नहीं खाते वो 2 बजे के टाइम पर, 4-5 बजे के टाइम पर उनको खाना चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो मैंने बोले 5 बजे मैं कब बनाऊँ मैं खाना, तो इसलिए मैंने अभी दाल बनाई, भात बनाया। रोटी मैंने दोपहर को 1:30 बजे बनाई थी, रोटी भाजी, तो रोटी भाजी भी पड़ी है और दाल भात ही मैंने बना के रख दिया। मैंने तो रोटी खाई भाजी खाई क्योंकि मैंने भात नहीं खाया। कल मैंने भात किया ना खाया ना तो मेरी कमर दर्द से इतनी हालत, दोस्तों आप ये बोलो मेरे को पहले ये कमर दर्द क्यों हो रही, मेरी इतनी हालत ख़राब हो, मेरे चेहरे से पूरे इधर खड्डे खड्डे हुए। जवानी तो आई नहीं, सीधा बुढ़ापा ही आ गया। एक तो मुँह पर इतने सूजन के गाल इतने बड़े हो जाते कभी, इतने डेली मैं BP की गोली खाती, हाई BP है। लेकिन जैसे भात खा रही ना डेली रोटी खा के भी क्या हो रहा है कि मेरे पेट में मतलब दर्द हो, पेट दर्द हो रहा है, यानी कि रोटी गर्म हो रही। लेकिन क्या करूँ, भात मैंने कल थोड़ा सा खाया था आधा कटोरी, लेकिन उससे मेरे जो बैक दर्द, इतना बैक दर्द नहीं पीठ में भी हो रहा दर्द, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही। मेरे को बर्तन धोने को भी नहीं हो रहा, खड़े खड़े खाने बनाने इतना दर्द हो रहा। बोलते ना मुँह पर अगर दर्द होता तो सामने वाले को मालूम पड़ता है इसको दर्द हो रहा, दुख है, मतलब दुखी है ये। मुँह पर तो चिल्लाने के लिए तो खूब लाउडली आवाज़ है, खूब जोर की आवाज़ है, मुँह पर तो दर्द होता नहीं बोलने के लिए, तो आवाज़ देखे तो किसने बोला इसको दर्द है। चलना भी पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भी भेजना, बाहर का भी लाना, घर का भी, टाइम टू टाइम खाना, कपड़े बर्तन सब कुछ करना है। चाहे बोलते ना करो या मरो, मर तो सकते नहीं तो काम तो करना ही है। तो आज बच्चों का छुट्टी था, इसके पापा भी कल आए थे छुट्टी, इसके पापा को बिल्कुल छुट्टी नहीं, तो कल काम था तो इसके पापा भी आए थे शाम को। तो अभी मैंने उनके लिए रोटी बना, फिर भी थकान भी लगती बोलते बोलते, क्या कहे उम्र भी हो गई है, उम्र भी हो गई है। तो हमने तो 12:30 बजे खाया था रोटी, इसके पापा ने नहीं खाया, इसके पापा ने सुबह नाश्ता, इसके पापा के लिए मैं अभी पनीर लेके आया। मैंने चलो स्कूटी भी अपने पास, तो नीलकंठ से इधर ही से पनीर लेके आए, तो पनीर के पराठे और दही दी इसके पापा, और मतलब खाना नहीं खाएगा यानी कि भात नहीं खाएगा। तो उनको भात खा के भी क्या करना, उनको जाना था तो इसके पापा खाना वाना खाया, इससे को निकल गई यानी कि नासिक चले गए क्योंकि छुट्टी बिल्कुल नहीं थी। कल सुबह जाना था, साथ में कोई नहीं, ऊपर सो गया क्या मालूम क्या है। तभी स्कूटी लेके फिर से पापा चले गए हैं, हम कल से फिर से हम वैसे ही पैदल ही जाना है हमको क्योंकि 1 हफ्ता और उसके बाद थोड़ा गाड़ी, एक तो नासिक के लिए इधर डायरेक्ट है भी नहीं, चलो जाने दो जो भी है। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, आजकल ज़्यादा ब्लॉग बन भी नहीं रहा, बना के भी क्या करूँ, आप लोग तो देख ही नहीं रहे। जो मेरे सब्सक्राइबर थे पता नहीं किधर चले गए, क्यों नहीं देख रहे मेरे वीडियो, तो क्यों नाराज हो रहे मेरे, क्या एक सब्सक्राइब आज बढ़ रहा है कल वही घट रहा है, फिर परसों बढ़ रहा है, फिर नर्सों घट रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? मेरे को देखे मेरे शॉर्ट वीडियो पर तो मतलब एक दिन में 2 दिन में 2 या 3 व्यूज आ रहे हैं, हजारों में जो आते थे भगवान जाने किसने मेरे चैनल के साथ छेड़छाड़ी की, क्या की आई नो, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिसने भी क्या गलती किया कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। जनवरी से तो बिल्कुल नहीं, जनवरी 13-14 तारीख से मेरा चैनल ऐसे बैठ गया और
ऑडियंस भी कहाँ से देखनी वो भी नहीं आ रहा, हर तरह ऑडियंस देखने को तो मिल जाता है, वहाँ पे कितनी है कब है वो भी चला गया, क्योंकि न व्यूज आ रहे हैं न लाइक्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, न सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे, प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, हम चाहे कितना भी बखे कितनी भी क्लिप बनाए कोई फ़ायदा नहीं है। चलो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और आज के ब्लॉग इतना ही, ज़्यादा भी क्या बोलूँ, मैं कहीं गई भी नहीं, खाना बनाया था वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि किसी ने खाया नहीं, तो क्लिप भी कैसे दिखाऊँ। तो आज के वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट और सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।